हाय दोस्तों, तो आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो आज मैंने सोचा कि कुछ नया बनाता हूँ और ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी अलग भी हो, डिफरेंट हो थोड़ी दूसरी चीज़ों से। तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से मैंने किसी वाइल्ड के ऊपर में, वाइल्ड लाइफ के ऊपर में मैंने कोई पेंटिंग नहीं बनाई है, तो सोचा कि आज उसी चीज़ पर बनाता हूँ। तो आज हम लोग, मैंने जो आज चूज़ किया है वो मैंने चूज़ किया है एक मैंड्रिल, जो एक मंकी की स्पीसीज में से है, तो मैं उसी को बनाऊंगा आज। तो उम्मीद है कि आपको ये पेंटिंग अच्छी लगे या ड्राइंग अच्छी लगे, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके ज़रूर देखें, और आप भी कोशिश करें वैसे बनाने की और ट्राई भी करें साथ ही साथ। तो सबसे पहले कलर्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग। हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले कलर्स के बारे में जान लेते हैं। हम लोग कैमलिन के ऑयल पेस्टल्स यूज़ करेंगे आज। तो आज आप देख रहे होंगे पूरा खाली हो चुका है, मैंने कलर्स निकाल लिए पहले ही अलग से। तो कैमलिन के ऑयल पेस्टल्स यूज़ करेंगे, दो ब्रश, एक पेंसिल स्केच के लिए, और आउटलाइनिंग के लिए ब्लैक स्केच, और एक्राइलिक में हम यूज़ करेंगे ब्लैक एंड वाइट। और जो इसके मेन कलर्स होंगे उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो वाइट एंड ब्लैक, डीप येलो और येलो ओकरे, फ्लैश टिंट और लाइट पिंक, डार्क ब्राउन और ब्राउन, डीप ग्रीन और लाइट ग्रीन, और आखिर में हमारे होंगे प्रूशियन ब्लू और शेप ग्रीन। तो ये हमारे कुछ कलर्स होंगे। तो उसकी स्टार्टिंग जो हमारी होगी वो स्केच से होगी, तो स्केच को पहले बनाएंगे फिर उसमें कलर करेंगे। हाँ दोस्तों, तो स्केच में हम सबसे पहले इसके फेस बनाएंगे। फेस में आँख, मुंह, नाक और इसके जो आसपास के जो रिंकल्स हैं उनको बनाएंगे, और इसकी आउटलाइनिंग जो होगी, मतलब इसके बाहरी वाला जो हिस्सा होगा उसमें हम केवल इसे एक फ्रेम देंगे, अभी उसमें कुछ डिज़ाइन नहीं देंगे, मतलब उसे बनाएंगे नहीं अभी, केवल एक फ्रेम दे देंगे जो उसके आसपास में होगा। तो वीडियो में देखें ताकि आपको उसे पता चल जाए। और इस चीज़ बस अभी इतना ही बनाएंगे, फिर इस चीज़ के बाद हम इसमें कलर करेंगे। कलर करने की बारी आ गई है, तो कलर की शुरुआत जो है वो इसके बैकग्राउंड से की जाएगी। तो हम सबसे पहले बैकग्राउंड को बनाएंगे, फिर उसके अंदर का पार्ट को बनाएंगे, मतलब मंकी को बाद में बनाएंगे, पहले बैकग्राउंड को बना रहे हैं। तो बैकग्राउंड को बनाने के लिए हमें कुछ कलर्स की ज़रूरत है, जिसमें ग्रीन के तीनों वेरियंट आएंगे और येलो ओकरे एंड ब्लैक, ये 5 कलर्स होंगे जिससे हमारा बैकग्राउंड तैयार होगा। और इसको जब ब्लेंड करें तो आप सर्कल में करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना करें। जब आप इसे ब्लेंड कर ले तब उसके बाद इसके ऊपर में आप वाइट कर दें ताकि ये ब्लर जैसा दिखाई दे। ये चीज़ मैंने पिछली वीडियोस में भी बता रखा है, तो आपने अगर जो वहाँ नहीं देखा है या वो चीज़ नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं और दूसरी पेंटिंग्स का मज़ा भी ले सकते हैं जाके। तो एक बार देखना चाहें तो आप चैनल पर भी जा सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से देख सकते हैं। अब हमारा बैकग्राउंड हो गया है रेडी, तो अब करते हैं अपने मेन ऑब्जेक्ट को कलर, मतलब मैंड्रिल को अब करते हैं कलर। तो मैंड्रिल में हम सबसे पहले उसके फेस को बनाएंगे। तो फेस में ज़्यादातर मैंड्रिल का जो फेस होता है वो ग्रे कलर का होता है, और कुछ कुछ का तो दूसरे कलर का होता है, जैसे ब्लैक है, किसी किसी का ब्लू भी आ जाता है बीच में। तो हम थोड़ा ब्लैक और ब्लू मतलब मिक्स करके बनाएंगे। तो ब्लैक को हम इसके शेडो वाले पार्ट में करेंगे, और ब्लू को शेडो और वाइट वाले पार्ट के बीच में करेंगे, जैसा वीडियो में आगे दिखाया गया है।
और इसी के साथ साथ हम ब्लैक एक्राइलिक का भी यूज़ इसके फेस में करेंगे और इस पेंटिंग में और कहीं नहीं करेंगे। दोस्तों तो अब हमारे ऑब्जेक्ट का फेस जो है वो पूरा बन चुका है, तो अब करते हैं इसके बाकी के बॉडी पार्ट्स को कलर। तो उसको बनाने के लिए हमें कुछ कलर्स की ज़रूरत होगी, जिसमें से मेन कलर जो होंगे वो फ्लैश टिंट, डार्क ब्राउन और ब्राउन और डीप येलो, ये इसके मेन कलर्स होंगे। और जिसके साइड कलर होंगे वो होंगे हमारे जैसे ये पिंक और कुछ कुछ जगह पर ब्लैक और वाइट इसके ऊपर में, जो इसके बालों को बनाएंगे। तो आप वीडियो के साथ में बने रहें ताकि आपको इसके बारे में पूरी चीज़ें पता चल जाए। इसी के साथ साथ एक और चीज़ का भी ध्यान रखें आप कि आपको कलर जो है वो सीधे सीधे करना होगा, गोल गोल आप ना करें, मतलब
स्ट्रेट फॉरवर्ड में आप इसको कलर करें जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है, उस तरीके से आप कलर करें। गोल गोल इसको ना करें, मतलब सर्कल में कलर ना करें। और इसी की तरह ही से आप इसे ब्लेंड भी करेंगे। आप अगर सर्कल में कर देंगे तो ये अलग दिखने लगेगा और ये ब्लर का पार्ट दिखने लगेगा, तो हमें इसे अलग बनाना है ब्लर से।
दोस्तों, तो अब हमारी पेंटिंग हो गई है बिल्कुल रेडी। तो अब उतारते हैं इसके टेप। टेप उतारते समय आप थोड़ी सावधानी रखें और अपने दूसरे वाले हाथ का इस्तेमाल करते हुए टेप को आराम से और धीरे से निकाल दें। तो आप देख सकते हैं कि हमारी पेंटिंग बहुत अच्छी बनी है। तो आप भी इसे ट्राई करें घर पर और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी ये पेंटिंग। Thank you.